वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में जिसका नाम है एरोकेरा प्लांट। इसको हम क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। नॉर्मली आपको सभी घर में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इसकी केयर के बारे में, तो कैसे रखना चाहिए, तो कैसी सॉइल पसंद है, कैसा टेम्परेचर पसंद है। तो पहले बात करते हैं इसकी सॉइल की। इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसको बनाने के लिए आप इसमें नॉर्मली गार्डन सॉइल ऐड करें और इसमें आप थोड़ी सैंड ऐड कर लीजिए जिससे पोरस हो जाए। बात करेंगे इसको कैसा इन्वायरमेंट पसंद है। इसको ह्यूमिड काफ़ी पसंद है। इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, ये गीली रहनी चाहिए, ज़्यादा सॉगी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। इसको मॉइस्ट ज़्यादा पसंद है। इसको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ ज़्यादा तेज़ सनलाइट ना आती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। मतलब अगर आप इसे रख रहे हैं, आपके पास जगह नहीं है ज़्यादा, तो आप इसे ऐसी तो आप इसे 2-3 घंटे की तेज़ धूप रखिए। दिन की ज़्यादा तेज़ धूप में इसे ना रखें। इसको जो टेम्परेचर पसंद है वो 32-35 डिग्री सेल्सियस तक पसंद है। आप गर्मियों के दिनों में से 40 ज़्यादा जब पारा पहुंच जाता है तब आप इसे धूप में ना रखें। 40 से ज़्यादा रखेंगे तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। इस तरीके से इसकी पत्तियां ये हो जाती है ज़्यादा तेज़ धूप में भी, और अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तब भी इसकी पत्तियां ब्राउन होने लग जाएंगी। फ्रेंड्स, बात करेंगे इसकी ग्रोथ की। आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी ग्रोथ सही चल रही है या नहीं चल रही है, या इसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो ग्रोथ के लिए आप देखिए कि इसमें एक टेल सी निकलते रहती है जो बड़ी होती रहती है। इसमें फिर नई ब्रांचेस निकलती हैं और आपको देखिएगा इसमें ब्रांचेस में ऐसे ये इस तरीके से बढ़ते रहते हैं, नई लीव्स इसमें आते रहती है, बढ़ते रहते हैं। और जो जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है तो जो उसके नीचे की लीव्स हैं इस तरीके की, ये गिरते रहते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, फिर डंडी नीचे के लिए गिर जाती है जब ये पेड़ बड़ा होता है तो। और फ्रेंड, बात करेंगे इसको फर्टिलाइज़र की। तो उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद नहीं है। आप इसे महीने में एक बार खाद दे दीजिए, चाहे आप ऑर्गेनिक दें चाहे आप केमिकल वाली खाद दें। ऐसे प्रीफर तो मैं ये करूँगा कि आप इसे ऑर्गेनिक खाद दें जिससे इसे कोई ज़्यादा नुकसान भी ना हो। आप इसे महीने में एक बार खाद दीजिए जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहेगी। इससे ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र करेंगे तो पेड़ सूख जाएगा, इसलिए आप महीने में से एक बार ऑर्गेनिक खाद दीजिए, जो इसके लिए बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।